हेलो फ्रेंड्स, मैथ एजुकेशन राजभवन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्व का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। दिया गया है कि टेन इनवर्स एक्स बटे का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट दिया गया है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना एक्स बराबर ए साइन ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये हमारा थीटा बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पर एक्स का वैल्यू है, हम लोग एक्स का वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा अंदर का, अंदर भी हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ये कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर हम लोग दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए साइन थीटा बटे के जब ये कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर रूट का। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इधर लिखेंगे टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स देखिए अब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बाहर हम, तो हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन ऑफ थीटा बटे, जब हम इसको बाहर निकालें हो जाएगा ए, और अंदर जब हम इसको खोलेंगे तो हो जाएगा ए 1 अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, जब कॉस स्क्वायर को हम अंडर रूट से निकालेंगे तब बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तब बचेगा टेन इनवर्स साइन ऑफ थीटा बटे का कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन ऑफ थीटा। अब टेन इनवर्स को ले गए तो 1/10 इंटू टेन अपॉन थीटा, देखिए टेन टेन से कैसे थीटा का वैल्यू है। अब थीटा मेरे पास आंसर है, थीटा बराबर ने क्या रखा है साइन इनवर्स, इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए। इसका हमारा आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स बटे ए आ गया। इसका हमारा फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन दिया गया है कि टेन इनवर्स कोष्टक में दिया गया है 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना एक्स बराबर ए टेन थीटा। जब एक्स बराबर ए टेन थीटा मानेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब हम लोग क्या कर दें, इसके जगह वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स की, तो हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री। अब एक की जगह पर वही रहेगा ए स्क्वायर इंटू ए टेन थीटा माइनस का ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बटे, अब हम ए क्यूब की जगह पे ए क्यूब ही हमारा रहेगा, और माइनस क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा 3 ए इंटू, अब यहाँ पर ए हमारा पहले का उसका करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ए क्यूब मिलकर मिल जाएगा ए क्यूब, तो हो जाएगा 3 ए क्यूब टेन थीटा माइनस का ए क्यूब यहाँ पर भी है टेन ऑफ क्यूब थीटा बटे का कितना हो जाएगा, तो बटे को हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। इधर हमारे पास क्या दिया गया है टेन इनवर्स, देखिए एक क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, इधर भी क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, बचा इधर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इतना हमारा वैल्यू आ गया। और इतनों को हम लोग क्या मानते हैं टेन 3 थीटा, ये हमारा बन गया टेन 3 थीटा का, टेन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 टेन थीटा माने टेन क्यूब थीटा बटे का 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स इधर कितना आएगा टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा, देखिए टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा,
टेन से टेन कैंसिल, सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या, थ्री थीटा थ्री। तो थीटा कोई लो हमको पता है कितना, थीटा कोई लो माने टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स बटे ए। हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टेन का, हमारा आंसर कितना आएगा, थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन दिया गया है कि टेन इनवर्स, टेन इनवर्स बड़े कोष्टक में क्या दिया गया है, बड़े कोष्टक में टू कॉस, टू कॉस और यहां दिया गया टू साइन इनवर्स, टू साइन इनवर्स वन बाई टू, बड़ा कोष्टक बंद है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कुछ मानेंगे नहीं, सॉल्व ऐसे करेंगे, यहां बराबर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स बड़ा कोष्टक लगाएंगे टू कॉस, टू कॉस। अब यहां पर अगर देखिए तो टू साइन, टू साइन इनवर्स वन बाई टू किसका मान होता है, साइन के पद में देखेंगे साइन पाई बाई सिक्स का मान होता है, यहां लिखेंगे इसके जगह पे पाई बाई साइन पाई बटे सिक्स, बड़ा छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब वन बटे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर टेन इनवर्स बड़ा कोष्टक लगाएंगे टू ऑफ कॉस, यहाँ हो जाएगा क्या बचा, कैंसिल होगा टू पाई का मल्टीप्लाई करेंगे टू पाई बटे सिक्स, जब टू पाई बाई करेंगे तो पाई बाई थ्री आ जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे पाई बाई थ्री, यहाँ इसका आएगा टू कॉस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। अब टू कॉस पाई बाई थ्री का मान देखिए, पाई बाई थ्री को हम लोग क्या कर दें, 180 में जब तीन से डिवाइड करेंगे तो 60, कॉस 60 का मान एक बटे दो होता था, अभी हो जाएगा टेन इनवर्स बड़ा कोष्टक में टू बुढ़े एक बटे दो, दो से दो भी कैंसिल हो गया, क्या गया हमारे पास आ गया टेन इनवर्स वन। अब टेन इनवर्स वन में देखेंगे टेन के मान में ये देखा जाएगा कि टेन के मान में एक किसके मान में आता है, तो टेन 45 मतलब पाई बाई फोर, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स उसके बाद हो जाएगा टेन पाई बाई फोर। अब लिखिए तो टेन इनवर्स हो जाएगा वन बटे टेन और इंटू टेन, यहाँ पाई बाई फोर आ गया तो टेन से टेन कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास पाई बाई फोर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर इलेवन था फ्रेंड्स, उसका आंसर कितना आ गया, उसका आंसर पाई बाई फोर आया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।